हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं काफ़ी बेहतरीन प्रोडक्ट का दोस्तों। तो ये जो है ना, आप पर्सनल यूज़ के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं और किसी को गिफ्ट में देना है तो भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपने मे भी सही गेस किया है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पेन गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए जो है यूज़ किया जा सके और बजटेड पेन है, बहुत महंगा नहीं है। और यूनोमैक्स जो है ना दोस्तों, अभी कुछ ही समय पहले इसका लॉन्च हुआ है और बहुत ईयर मार्केट इसने कवर कर लिया है। ये जब आया था मार्केट में तब सब लोग बोल रहे थे ये जो मतलब बकवास पेन है, ये है वो है फलाना ढिमकाना, बट एक्चुअल में सेलो के जो पार्टनर्स थे उन्होंने जो इसको मतलब अपना पूरा अलग से डिवीज़न जो है शुरू कर दिया है अपने नए ब्रांड से। तो ये जो है ना, इसकी क्वालिटी में कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है और सेलो के पास जो है बहुत ही बड़ा यार एक्सपीरियंस है पेन बनाने के अंदर। तो यहाँ पे इसके जो है बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स आते हैं, तो सभी के हमने जो है अनबॉक्सिंग रिव्यू के वीडियोस जो है बनाए हैं दोस्तों। तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। और सेलो के अलावा जो है बहुत सारी पेन के हमने अनबॉक्सिंग रिव्यू के वीडियोस बनाए हैं, जैसे कि यूनिबॉल है, पियर कार्डिन है, पार्कर है, उसके अलावा सेलो मॉन्टेक्स आती है, क्लासमेट की पेन्स आती है, उसके अलावा लिंक की पेन आती है, पायलट की पेन आती है, लग्जर की पेन आती है। तो उसके वीडियोज़ की लिंक आपको, प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से दोस्तों मिल जाएगी, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं, चाहे तो खरीद सकते हैं। तो इसकी कीमत जो है 70 रुपीज़ है और इसके अंदर आपको चार डिफरेंट कलर मिल जाते हैं। और ये जो है मॉडल, उसका नाम जो है दोस्तों स्टाइलस, तो स्टाइल के साथ आप करेंगे राइटिंग। तो यहाँ पे अगर जो है बैंक का मैनेजर है या तो कोई डॉक्टर है या तो कोई ऐसा गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उसको अगर अपने जेब में काफ़ी अच्छी दिखने वाली जो है और अच्छी राइटिंग कर सके, स्मूथ राइटिंग कर सके, ऐसा सिग्नेचर पेन चाहिए होगा तो भी उनके लिए ये सबसे बढ़िया रहेगा। तो उनको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पार्कर का पेन खरीदना है, यूनिबॉल का पेन खरीदना है, वो 70 रुपीज़ में ये वाला पेन खरीदेंगे तो भी इसको चल जाएगा। बाकी इसको जो है आप अपने बच्चों को गिफ्ट में दे सकते हैं, 10वीं 12वीं के कक्षा के बच्चे जो है उनको गिफ्ट में दे सकते हैं, उस प्रोत्साहित करने के लिए। एग्ज़ाम के अंदर मतलब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो भले आप कोई भी पेन यूज़ कर ले, यूज़ एंड थ्रो पेन आता है क्योंकि प्रैक्टिस में ज़्यादा राइटिंग होती है तो ज़्यादा इंक का यूज़ होता है, तो आप उस टाइम पे भले ही आप जो है यूज़ एंड थ्रो पेन का यूज़ करें, बट एग्ज़ाम के अंदर अगर आपको पेन यूज़ करना है तो आप इसी तरीके का पेन यूज़ करिएगा दोस्तों। इसकी स्मूथ राइटिंग ऐसी है कि आप पेपर आपका ख़त्म हो जाएगा, आपको थकानी महसूस नहीं होगी। तो 10वीं 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, UPSC, GPSC, SSC ऐसा कोई भी एग्ज़ाम है, या तो IIT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, MTech की जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, JEE की गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या तो फिर CAT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉरेन जाने के लिए जो है यहाँ पे IELTS की TOEFL की प्रिपरेशन करें, तो सबके लिए जो है ना दोस्तों ये वाला पेन जो है उसको आप गिफ्ट में दे सकते हैं दोस्तों। जॉब कर रहा है तो उसको भी गिफ्ट में दे सकते हैं, आप अपने बॉस को जो है गिफ्ट में दे सकते हैं, या तो बॉस जो है अपने एम्प्लॉय को अगर उन्होंने कुछ अचीव किया है तो उनको भी गिफ्ट में दे सकते हैं। बाकी आप बर्थडे के अंदर, रिटायरमेंट गिफ्ट के अंदर भी जो इसको, और एक डायरी किचन का सेट बना के भी आप किसी को भी गिफ्ट में दे सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी कीमत है 70 रुपीज़, ये आपको लोकल मार्केट में मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, तो आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। इसकी बेस्ट बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख लीजिए। यूनोमैक्स जो है मुंबई बेस्ड कंपनी है और सेलो हाउस में ही जो है इसका मतलब सेलो का मे भी पूरा जो है बिल्डिंग है, वहाँ पे उसके अंदर ही इसका जो है ऑफिस है। और इसके अंदर जो है रिफ़िल कौन सी लगती है, तो UM 5000 रिफ़िल इसमें लगती है, 8 रुपये की रिफ़िल आती है दोस्तों। और यहाँ पे उसका वेबसाइट, कस्टमर केयर नंबर, ईमेल आईडी, यहाँ पे सब चीज़ें आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ ये जो है स्टाइलस पेन है, तो स्टाइलस पेन मतलब कि भाई इससे, इसका जो यहाँ पे पीछे का पार्ट है उससे आप अपने मोबाइल के टच स्क्रीन को भी जो है यूज़ कर सकते हैं, और मतलब ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर, बाकी प्रेजेंटेशन के अंदर आपका आईपैड जैसा कोई टच पैड है तो उसके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, और आजकल तो डिजिटल पैड भी आ गया है तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको भी हम टेस्ट करेंगे, देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब जो है सभी पेन के कलर्स को मैं आपको दिखा देता हूँ, बॉडी कैसा है, राइटिंग कैसा है, उसका भी हम टेस्टिंग दोस्तों यहाँ पे कर लेंगे। तो ये सबसे पहला पेन हमारा ब्लैक कलर का पेन है, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा डार्क ग्रे, ओके। उसके बाद यहाँ पे आता है एक और कलर रेड, तो बहुत सारे लोगों को रेड कलर भी पसंद होता है, तो ये दोनों कलर है ना बॉयज़ को ज़्यादा पसंद आते हैं, बाकी रेड और ये वाला ब्लू भी आई थिंक बॉयज़ के लिए ही है, तो गर्ल्स के लिए शायद ये एक ही कलर है ऐसा हम मान सकते हैं। कई गर्ल्स को मे बी ये वाला कलर शायद पसंद आ सकता है, बट ज़्यादातर जो है ब्लू कलर और ये सब कलर जो है बॉयज़ को पसंद आते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए नज़दीक से, एकदम नज़दीक से कैसा दिखता है, तो पूरा मेटल बॉडी का पेन है और पीछे ये स्टाइलस है दोस्तों, ठीक है। फिर यहाँ से हम ऐसे क्लिक करेंगे तो एकदम स्मूथ क्लिक है, और ये वाला जो पिन है इसका, ये भी काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का पिन है दोस्तों, आपके जेब में से पेन गिरेगा नहीं। और इसका रिफ़िल भी चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये है इसका रिफ़िल,
UM5000 जिसकी कीमत है 8 रुपये। तो ये एक अलग ही टाइप का रिफिल है दोस्तों। इसमें पीछे जो इस तरीके का एक्सटेंशन आता है, तो फ्लेयर की जो पेन आती है ना उसमें ये एक्सटेंशन आप पीछे से निकाल दोगे, और फ्लेयर की है तो सेलो की, मतलब इस रेंज की जो पेन्स आती है गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए जो पेन्स आती है उसमें भी इसी तरीके का रिफिल होता है दोस्तों। बट उसमें ये पीछे का पार्ट जो है वहाँ से उन्होंने निकाल दिया, डायरेक्टली इसमें कनेक्टेड होता है, तो उस तरीके से वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये जो है यहाँ पे गिर चुका है, तो ये इसके अंदर हम लगा देंगे और फिर इसके अंदर हम जाने देंगे। तो हमेशा जब आप पेन खोलें तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि उसके क्लिकिंग जो पार्ट यहाँ पे पीछे है उसका कोई मैकेनिज्म जो है गिर ना जाए, क्योंकि वो फिर एक्स्ट्रा आपको कहीं से मिलेगा नहीं। फिर यहाँ पे आपको ये ब्लू कलर जो है ये भी एक काफ़ी अच्छा कलर है, बहुत ही ज़बरदस्त दिख रहा है और एकदम स्मूथ क्लिक है। फिर यहाँ पे रेड कलर है दोस्तों, ये भी काफ़ी बढ़िया है, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है अभी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक कलर, ये भी काफ़ी सही है। चलिए इसका जो है राइटिंग टेस्ट और जो है इसका टच जो है स्टाइलस उसका भी टेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ये ले लिया है और ये हमारा स्टाइलस जो है उसको हम टेस्ट करते हैं। थोड़ा सा आपको प्रेशर देना पड़ेगा। तो DIY स्टाइलस कैसे बना सकते हैं उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है, तो उसको भी आप जो है देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। तो फिर यहाँ पे जो है जैसे कि ये एक एप्लीकेशन है, इसको हमने खोल दिया है, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, तो ये एप्लीकेशन खुल जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक्चुअल में आप चाहें तो फिर यहाँ पे कैलकुलेटर जैसे है खोल सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। 1 + 1 = 2 × 8 = 16। तो ऐसे जो है आप कैलकुलेशन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। बाकी जो है आप कोई भी चीज़ों को जो है खोल सकते हैं, जैसे कि ये यूट्यूब खोल लिया। तो काफ़ी मतलब स्मूथ स्टाइलस है इसका, इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन के लिए या तो फिर स्क्रॉलिंग के लिए या तो जो भी आपको करना है। हल्का सा प्रेशर जो है आपको देना पड़ेगा फिर ये काम करेगा, क्योंकि हाथों से जब हम करते हैं तो नेचुरल इतना प्रेशर होता ही है। इस तरीके से जो है आप इसको स्क्रॉल भी कर सकते हैं। तो एक छोटा सा टेस्ट था दोस्तों, अब जो है यहाँ पे इसका हम राइटिंग टेस्ट जो है कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा कागज़ है, तो यहाँ पे एक्चुअल में आप मेरी राइटिंग जो है उसको 10 out of 10 अगर देना चाहे तो दे सकते हैं। फिर इसको यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि उसका जो पॉइंट होता है उसके ऊपर जो है एक छोटा सा जो सेफ्टी गार्ड दिया होता है तो ईजिली निकल जाता है। कई बार वो जो है ज़्यादा चिपका हुआ रहता है, तो उसको निकालने के लिए जो है ना आपको हल्का सा इसको नाखून से ऐसा करना होगा तो ये निकल जाएगा। बट खास एक ध्यान रखिएगा, एक टिप है यहाँ पे, इस पॉइंट को जो है खींचेगा नहीं अगर वो थोड़ा सा ज़्यादा चिपका हुआ है, तो नाखून से हल्का हल्का करके उसको निकाल दीजिए, बट उसको जो है पॉइंट को ना खींचे नहीं तो पॉइंट हाथ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये जो है यूनो मैक्स का पेन है, ठीक है। अब दूसरा भी हम देख लेते हैं। राइटिंग यार बहुत ही स्मूथ है, मज़ा आ गया। फिर यहाँ पर यूनो मैक्स का मॉडल है स्टाइलस, LUS स्टाइलस, काफ़ी यार मस्त राइटिंग है इसमें, बच्चों को थकावट ज़रा भी नहीं होगी। उसके बाद आएगा स्टाइलस हो गया, फिर यहाँ पे होता है जेट इंक टेक्नोलॉजी, और हमारा ये लास्ट वाला पेन है, इसकी कीमत है दोस्तों 70 रुपीज़। तो ये आपको लोकल मार्केट में मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा, इसकी बेस्ट बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको ख़रीद सकते हैं और अपने बच्चों को, फ्रेंड्स रिलेटिव्स के बच्चों को, अपने बॉस को, अपने कलीग्स को जो है गिफ्ट में दे सकते हैं। रिटायरमेंट गिफ्ट में भी आप इसको दे सकते हैं। तो अपने अनुभव जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है किस तरीके की कंपनी की पेन जो है ज़्यादा पसंद रहती है। आपको यूनिबॉल की पेन पसंद है, आपको जो है क्या बोलते हैं पार्कर की, सेलो की, क्लासमेट की पेन पसंद है, क्या कौन सी कंपनी की पेन पसंद है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ एक और चीज़ आप बताइएगा कि भाई आप अभी क्या पढ़ाई कर रहे हैं, 10वीं में 12वीं में है, कॉलेज में है, एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो भी बता सकते हैं। और फ्यूचर में आप क्या बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, आप जो है बैंक में क्लार्क बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करके फिर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, और या तो फिर आप UPSC, GPSC, SSC की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या तो फिर आप जो है फॉरेन कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, USA जाना चाहते हैं,
या तो फिर आप जर्मनी पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हैं, आप आईलेट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।